आइए मिस्टर उपेंद्र, आइए। इस शहर में जो 10 सबसे खतरनाक डरावनी जगह हैं, उनमें से ये एक नंबर पे है। ये लीजिए, आगे आपका दरिया महल। मैं वॉचमैन को बुला देता हूँ। वॉचमैन, बोला आ गया जी साहब। बोला, ये उपेंद्र साहब हैं, राइटर हैं, लिखते हैं, आत्माओं के ऊपर कुछ किताब लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे, तो तुम सब की देखभाल करना ठीक तरह से। सब 2-3 दिन, आपने इनको कुछ बताया नहीं सर। साहब साहब, यहाँ पे रात को नहीं रहना चाहिए साहब, यहाँ पे आत्मा होती है। किसकी आत्मा है साहब? एक लड़की थी गैलेडिया, उसने 20 साल पहले ना साहब यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी, बस तब से साहब देखे साहब, वो वही है साहब, वो यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते साहब, वो वही है। क्या बकवास कर रहे हो साहब? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ साहब, मेरा यकीन मानिए साहब, सब वही है, वो किसी को रहने नहीं देते साहब। साहब भागे आप साहब, मैं तो जा रहा हूँ साहब, भागे साहब, सब भागे। देखिए उपेंद्र जी, आप मेरा फीस बाद में दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ सर। सबको प्रूफ करके बताऊंगा, कोई भूत भूत नहीं होते। अच्छा, लगता है यहीं से आ रही आवाज। अरे ये लाइट कैसे चली गई? कोई बात नहीं, सर शायद उपेंद्र ने किसी के मुंह से दरिया महल का नाम सुना था सर, और शायद अपनी किताब के लिए कुछ मसाला ढूंढने यहाँ आ गया हो। इससे पहले कोई आया था यहाँ? नहीं साहब, यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है आत्मा के डर की वजह से। ये सब क्या बकवास है? ये आत्मा वात्मा ये सब क्या है? अरे साहब, जो सच है वही बता रहे साहब। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक
अंग्रेज लड़का और लड़की रहने आए थे, लेकिन साहब रात को उनकी जो हालत हुई है ना, वो अपना सामान तक छोड़कर चले गए साहब। एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा बाहर गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। फ्रेडी लड़का, फिर भी सर आत्माओं से टकराना नहीं चाहिए, कुछ हो जाता है। सर, बॉडी पे चोट का कोई निशान नहीं है सर। और एक बात है सर, उसकी आंखें फटी हुई है सर। ऐसा लगता है कि उसने कुछ भयानक देखा है सर मरने से पहले। भयानक? हाँ सर, और कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर है सर। कमरे में भी ऐसे लग नहीं रहा है कि वहाँ कोई लड़ाई हुई हो। देवयाना, विवेक, तुम दोनों इस महल का एक एक कोना अच्छी तरह से देखो, जाओ जल्दी। यस सर। तुम दोनों कल रात कहाँ थे जब उपेंद्र की मौत हुई थी? बंगले के उस तरफ सर्वेंट क्वार्टर्स में, रात में हम दोनों वहीं रहते हैं साहब। सर, मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से चेक कर लिया सर, कहीं पे किसी चीज का कोई निशान नहीं है सर। सर ये देखिए, वहां से एक कैमरा मिला है सर, जरूर ये कैमरा उस राइटर का ही होगा सर। और ये देखिए 25, इसका मतलब ये कि इसकी रील में से 25 फोटोज क्लिक हुई हैं। हो सकता है इस कैमरे ने वो देखा हो जो मरने से पहले उपेंद्र ने देखा था। विवेक, इस कैमरे को प्रोसेसिंग के लिए भेज दो और इस लाश को फोरेंसिक लैब। डॉक्टर तारिका, वो एक्सरे रिपोर्ट ले आइए प्लीज। यस सर। किसी आत्मा की उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी और फौलाद जैसी सख्त होती हैं, ये मुझे आज ही पता चला बस। सर, मैं एक्सरे सुखाने की कोशिश कर रही थी, गर्दन का हलवा बन गया है, ये देखिए। भूतों में बहुत ताकत होती है सर। ये तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आत्मा तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। अच्छा। गले में कुछ अटक गया? नहीं यार, वो ये आत्मा, हम एक्सरे की बात कर रहे हैं ना दया, ये एक्सरे प्लीज एसीपी साहब को दे दो। तो सच में अजीब है, इतनी जोर से गला दबाने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, बहुत दर्द हुआ होगा बेचारे का। नहीं अभिजीत, गला दबाते वक्त इसे दर्द नहीं हुआ होगा। हड्डियां टूट रही थी और दर्द भी नहीं हुआ, वाह। तुम थे वहां पर जब ये आत्मा गला दबा रही थी? माय डियर एसीपी साहब, इस आदमी ने आत्मा को भी बेवकूफ बना दिया। आत्मा को पता ही नहीं चला कि गला दबाने से पहले ही आदमी मर चुका है। पर ये मरा कैसे? हार्ट अटैक की वजह से। जितनी जोर से गला दबाया गया है उसकी वजह से तो ब्रेन के अंदर खून जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस मुझे लगता है इसने अचानक कोई ऐसी चीज देख ली है जिसके शॉक की वजह से इसे हार्ट अटैक हो गया। सर, कैमरे के अंदर जो फिल्म थी वो डेवलप हो गई है सर। कुछ मिला? कोई फोटो है इसमें? नहीं सर, सारी फिल्म ब्लैंक है, खाली। ब्लैंक है? आत्मा की फोटो आती नहीं सर। हाँ सर, आत्मा की फोटो लेने से पूरी फिल्म खराब हो जाती है। ये क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ सर, मुझे अभी भी याद है, बचपन में मेरे एक अंकल ने आत्मा की फोटो खींची थी, लड़की की, आत्मा की। तो क्या देखा तुमने? फोटो तो आई नहीं सर, लेकिन अंकल की आवाज बदल गई। अच्छा, क्या क्या हुआ आवाज को? अंकल लड़की की आवाज में बात कर रहे थे एक हफ्ते तक। तो भाई 7 दिन तक तुम सब लोग उस घर में जाकर रहोगे और देखोगे वहां पे क्या होता है, समझे? सर, 7 दिन तक? हाँ, 7 दिन तक। सर,
सात दिन तक हम वहाँ कैसे रहेंगे सर? सर मैं अपनी वाइफ को छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। सर मेरी आवाज को कुछ हो गया तो सर आप जिम्मेदार होंगे। ये तुम लोग सामने वाला रूम ले लो, हम लोग यहाँ पे। सर मैं आप लोगों के साथ रह लूंगा सर। विवेक विवेक बहुत डरपोक है। मैं फ्रेडरिक, तुम एक शहरी ऑफिसर हो समझे? सर अभी पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा डरपोक है। कुछ नहीं सर, मैं दरवाजा खोलता हूँ, एक मिनट सर। या विवेक। हाँ सर। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सर संभाल के प्लीज। अरे ये तो मैं हूँ। तू वापस लाइट चली गई। तो टॉर्च है ना? हाँ। विवेक। हाँ सर। लड़की की पायल की आवाज। हाँ सर। सर मेरे ख्याल से वहां से आ रही है सर, मैं अभी देखता हूँ। नहीं, 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 नहीं। लड़की बाहर ही खड़ी है। सर एक बार जाके देख लेते कौन है सर। विवेक तुझे याद है ना मेरे अंकल की आवाज बदल गई थी? अंकल लड़की की आवाज में बात कर रहे थे। मजा विवेक मैं बोल रहा हूँ तेरे को। सर कुछ नहीं होगा सर। अरे मेरे तो पसीने छूट रही है देख। सर अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं पे रुकिए, कोई बात नहीं, मैं अभी आया सर। कौन है यहाँ पे? कौन किसको डराता है? प्लीज मुझे मत मारो, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ। अरे सर आप यहाँ? विवेक मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, इतने साल हो गए, कहाँ थे तुम? सर सर ये आपको क्या हो गया है सर? मैं आत्मा हूँ विवेक, कहाँ थे तुम? देखिए सर आप आगे मत आइए सर प्लीज। कौन चला है? दरवाजा खुला है, क्या आवाज है? बैठक विवेक नहीं है। अरे कौन है वहां पे?
मेडिक, मेडिक। फेडिक्स, क्या हुआ? उठो। अरे, उठो क्या? फेडिक्स, फेडी, अरे, फेडी, फेडी, उठ, उठ, फेडी, अरे, क्या है? क्या हुआ? पायल, पायल, ये कौन है? वो लड़की, आत्मा, आत्मा। Come on, फेडी, कहाँ है? विवेक कहाँ है? विवेक तुम्हारे साथ में? विवेक, विवेक, आवाज ऊपर से आ रही है। चलो। छोड़ दो मुझे प्लीज। मत मारो मुझे, मुझे जाने दो। कौन है ऊपर? कौन है? प्लीज, छोड़ दो मुझे। प्लीज ऐसा मत करो। मत मारो मुझे। मुझे और जीना है। तो बंद कोई ऐसी हवा में कैसे गायब हो सकता? मतलब अभिजीत कहीं वाकई में वो आत्मा तो नहीं? यार तुम्हारा भी फ्रेडी हो गया है। इधर इधर दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर वो उस तरफ कैसे? हाँ दया, लेकिन देखो इसका कोई सीक्रेट होगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसकी लाश पता नहीं कहां चली गई। वही है साहब, ये वही है, उसने ऐसे ही जान दी थी। इसका मतलब वो आत्मा थी जो ऊपर से कूदी? हाँ साहब, वो गैलेडिया की आत्मा थी साहब। वो यहाँ पे किसी को भी रहने नहीं देती है, और साहब हम लोग भी हमारे कॉटेज में दरवाजा बंद कर कर ही रहते हैं। और अगर गलती से दरवाजा खुला रह जाए तो? क्या बात करें साहब, अगर दरवाजा खुला रह गया ना तो आपको भी हमारी लाशें मिलेगी। देखा, मैं पहले से कह रहा था सर। Shut up। लेकिन ये विवेक कहाँ गायब हो गया? फ्रेडरिक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, वो विवेक मुझे हमेशा बेवकूफ बनाता रहता ना, इसलिए मैंने। अरे यही टाइम मिला था ऐसा करने का तुम्हें? कहाँ चले गए थे तुम? सर, मैंने किसी को कंपाउंड वॉल की तरफ भागते हुए देखा था सर। जब तक मैं वहां पहुंचा वो निकल चुका था सर। विवेक, तुम फ्रेडरिक के साथ में थे ना, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। सर, वो मुझे लगा कि इनके ऊपर आत्मा गई थी सर। अब सर, अब आप ठीक हो? तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं विवेक। गॉड, अभी तक? सर, देखा आपने? बस फ्रेडरिक्स, गेम खेलने का टाइम नहीं है, समझे? दे, कल मॉर्निंग में सबसे पहले टेरेस चेक करते हैं। टेरेस का दरवाजा तो बंद रहता है रात को, तो फिर ये लड़की अंदर आई कहां से? किसी और रास्ते से आई होगी। सर, क्या विवेक? सर, शायद ये लड़की पेड़ पे चढ़कर ऊपर टेरेस पे आई होगी। सर, पेड़ पे चढ़ के? यस सर। कि पेड़ पे चढ़ के इस तरह? एक काम करो, जरा वॉचमैन को बुला। यस सर। यहाँ इस दरिया महल में कितने लोग हैं जो आते जाते रहते हैं?
सब यहाँ पे वो खाने बनाने वाला बबुआ और मैं, बस हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है। दरिया महल का मालिक वो कहाँ है? एंथोनी साहब तो अमेरिका में रहते। हाँ साहब, साल में एक दो दिन यहाँ पे आ जाते, लेकिन हाँ साहब, रात को तो वो भी यहाँ पे नहीं रहते। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं सब? वो हमें क्या मालूम, हम तो ठहरे नौकर आदमी, बस साल का पगार एक साथ मिल जाता है। देख वॉचमैन, यहाँ पे खून हो गया, अगर तुमने जरा भी हमसे झूठ बोला या बाद में पता चला कि तुमने हमसे पूरी बात नहीं बताई है, तो मैं तो तेरा साहब, वो आत्मा के डर से ना साहब, मेरे जबान पे ताला लगा हुआ है। मैं तेरे उस आत्मा से ज्यादा खराब हूँ, समझा? सब वो एंथोनी साहब की वजह से ही रॉकी साहब की मौत हुई थी। रॉकी? हाँ साहब, रॉकी द गामा, वो एंथोनी साहब के भाई है। साहब सब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो फिर किसको मालूम है? साहब यहाँ पे एक बंजारन काम करती थी, अब तो वो नहीं है, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा साहब। ढूंढेंगे, उसको भी ढूंढ लेंगे। तुमने देखा है रॉकी को? हाँ साहब, मैंने देखा है रॉकी को। मैं गलेडिया मैडम के लिए काम करती थी ना। गलेडिया? ये गलेडिया ने आत्महत्या क्यों की? साहब, वो रॉकी सर को पुलिस ने गोली मार दी थी ना, इसलिए बाद में गलेडिया मैडम ने भी अपनी जान दे दी। सर, इसका मतलब है राइटर उपेंद्र को गलेडिया की आत्मा ने मारा है? सर, पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर ऑफिसेज में से बहुत कुछ पता चला है। अब उन सब में से इस केस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप देखिए। पुलिस रिकॉर्ड से क्या पता चला? सर, 1980s में रॉकी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। पुलिस कभी उसको किसी भी केस में पकड़ नहीं पाई। उसने तो अपना एक बहुत बड़ा गैंग भी बना लिया था। मगर कुछ समय बाद एक एनकाउंटर हुआ था ना, पुलिस का और रॉकी का। यस सर, रॉकी ने एक बहुत बड़ी चोरी की थी और उस चोरी में एक सोने की मूर्ति भी थी। पुलिस को उसके बारे में पता चल गया, उन्होंने रेड कर दी, दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में रॉकी का सारा गैंग खत्म हो गया था। सब न्यूज़पेपर्स में इस एनकाउंटर के बारे में छपा हुआ है सर, ये देखिए। रॉकी की गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या की, दरिया महल से उसकी लाश मिली। 2 साल पुरानी रिपोर्ट है ये क्या? 3 अंग्रेजों ने एक लड़की की आत्मा को देखा? ओह, तभी इस रॉकी की गर्लफ्रेंड गडालिया की आत्मा का नाम सारे में फैल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉकी का सारा खजाना अभी तक पुलिस को मिला ही नहीं है। वो सोने की मूर्ति अभी भी गायब है। तो ये सारा चक्कर उस खजाने और सोने की मूर्ति के लिए है सर? सर, मुझे लगता है ये मूर्ति और खजाना इसी महल में कहीं छुपाए गए। ये बात किसी को पता चल गई होगी, इसीलिए सबको भगाने के लिए ये आत्मा कहीं से पैदा हो गई। इससे पहले कि कोई और लोग मारे जाएं, हमें इस मूर्ति और खजाने को ढूंढ निकालना चाहिए। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक इंच मत छोड़ना, समझे? दीवारों को ठोक के देखो, चाहे तो जमीन को भी ठोक के देखो, कुछ छोड़ना नहीं। चलो जल्दी। सब लोग डर रहे हैं।
अरे सर ये तो हॉलो है। कारपेट उठाओ। यस सर। तो यहां पे बना रखा है रास्ता। जय संभल के। लगता है यहीं पे है वो आत्मा। लगता है आत्मा चली गई। सर आत्मा है यहाँ पे। भाग गई फेडरिक्स। भाग गई? हाँ, और जाते जाते लगता है वो सारा खजाना और वो मूर्ति भी लेके चली गई। सर सर हाँ क्या? एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, आत्मा को खजाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा इधर आइए। क्या? ये देखिए सर। ओ, आत्मा को अस्मा है। पता नहीं कहां रख दिया मैंने, अब क्या करूं? अरे बबुआ कहां हुआ, कुछ खो गया है क्या? नहीं साहब, मेरा क्या सामान खोएगा। इतने परेशान क्यों? ये आपको क्या हो गया साहब? चुप! तुझसे मिलने आई हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहो साहब। आऊंगी। नहीं, जरूर आऊंगी। नहीं साहब, नहीं साहब, 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 नहीं, नहीं साहब, नहीं साहब। क्या बबुआ? ये इनहेलर तुम्हारा है? हैं? नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। फिर झूठ बोला। सच सच बताओ, तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे? हाँ? और तुम दोनों में से वो आत्मा कौन? आत्मा तो यहाँ है, गडेलिया की आत्मा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ साहब। अब बताओ साहब, मुझे रॉकी के खजाने के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो वॉचमैन ने कहा वैसा ही किया, यहाँ से सोने की मूर्ति निकाल कर वो कजली बाई को दे दी, बस। कजली बाई? कहाँ ये कजली बाई बन जा रहा है? कहाँ है? मैं तो साहब सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज रात वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। बस 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 बस, रुक जा रुक जा रुक जा। सर यही पता बताया था उस कुक ने। हो रही। बस बस इधर ही रोको। कितना हुआ? ये वही है सर। दरवाजा खोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये भाग तो नहीं गई? तो देखो इस घर से बाहर जाने का कोई और रास्ता है, जल्दी।
ये कौन है? कजली कहाँ थी? कौन? कौन हो भाई? हम लोग सीआईडी से हैं। ये कजली को ढूंढ रहे हैं हम लोग। यहाँ कोई कजली नहीं रहती। हमने उसे आपके दरवाजे से अंदर आते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने उस घर के अंदर घुसी है। कहाँ है वो? देखो भाई, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी आंखें तो खराब हैं, लेकिन मैं सूंघ कर सबको पहचान लेता हूँ। हाँ, ये जरूर कोई जवान लड़का है। बंद करो ये सब, बहाने मत बनाओ। कहाँ है वो? कमाल करते हो भाई, इस बूढ़े की बातें अगर तुम्हें बहाना लगती हैं तो खुद ही ढूंढ लो। ढूंढो सब जगह, जल्दी। अरे ये बूढ़ा कहाँ गया? चलो इससे पहले कि अंधेरे में गायब हो जाए सब लोग फैल जाओ, जल्दी। सॉरी, देखिए मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। आपने यहाँ पर किसी औरत या किसी बुड्ढे को भागते हुए देखा? जी नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? I'm a bird watcher, चिड़िया को देखता हूँ। चिड़िया की फोटोग्राफ्स निकाल कर इंटरनेशनल मैगजीन में देता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मार्क रॉथ। मार्क रॉथ, वैसे यहाँ रात को कहाँ से चिड़िया मिलेंगी? मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। देखिए मैं आपको भी दिखाऊँ। एक मिनट, फिर कभी मिलेंगे जब आप लोग फ्री होंगे। बाय। फिर कभी मिलेंगे जब आप लोग फ्री होंगे। सर, क्या हुआ? ये माकरौदी गजरी है। सर मानना पड़ेगा, ये कजली का गेटअप वाकई किसी को भी धोखा दे सकता है। हाँ, ये सारा ड्रामा मेरा ही फैलाया हुआ है। मैं ही रॉकी हूँ, मैं ही रॉकी हूँ। एनकाउंटर में मरने के बाद भी जिंदा हो गए? क्यों? मैं और क्या करती? सॉरी, मैं और क्या करता? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। पुलिस से बचने का और अपने बड़े भाई एंथोनी से बचने का एक यही रास्ता मुझे ठीक लगा। एंथोनी से बचने का? हाँ, 20 साल पहले दरिया महल में मेरा स्मगलिंग का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे बड़े भाई एंथोनी को शक हो गया। हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझसे कहा कि मैं ये दरिया महल बेच दूंगा। और वो महल बेचता तो तुम्हारा तो बिजनेस ही बंद हो जाता, क्यों? जी हाँ, फिर मेरा पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, मुझे एक गोली भी लगी, लेकिन मैंने अपने एक आदमी की लाश वहां छोड़ दी। हाँ साहब, इसने उसको मार डाला, फिर पत्थर मारकर लाश का चेहरा खराब कर दिया। ए, तुम दोनों तो वहां थे। लेकिन साहब हमने सुना है, और हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये आदमी है। इससे बहुत बुरा फंसा है साहब हमको, बहुत बुरा फंसा है। एसीपी साहब, ये दोनों तो मेरे प्यार के चक्कर में फंसे हुए थे। हाँ साहब,
और इसने ही हमें बताया कि वो आत्मा वात्मा की कहानी तुम सबको बताना। इन दोनों की हेल्प लेके तुमने ये भूत का डर फैला दिया ताकि कोई दरिया महल में आने या उसको खरीदने की कोशिश ना करे। अच्छा, लेकिन तुमने ये टेरेस पे लड़की का ड्रामा किया कैसे है? मैंने सबसे पहले एक लड़की की आवाज रिकॉर्ड की, उसके चलने की, उसके चीखने की, उसके रोने धोने की। ये कहानी सबको जेल में बैठकर सुनाना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।